दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत। कल देर शाम बाड़मेर से बाइक पर सवार होकर दोनों ही दोस्त भाड़का की तरफ अपने गांव जा रहे थे। सामने से काल बनकर आई एक बाइक और दोनों बाइकों की भिड़ंत से दोनों ही दोस्तों की मौत हो गई। हालांकि मौके पर दोनों ही दोस्त जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल होने से उसको जोधपुर रेफर कर दिया गया और एक को बाड़मेर। दोनों ही दोस्तों ने दम तोड़ दिया, दोनों की ही हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। हालांकि एक को जोधपुर रेफर करते वक्त जोधपुर में जो है उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और एक की बाड़मेर। दो बाइक भिड़ंत से एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल को जोधपुर रेफर, दोनों दोस्तों की शहर से गांव जाते वक्त हुई मौत। दो दोस्त बाइक पर शहर से गांव की तरफ जा रहे थे, सामने से आ रही बाइक उनकी भिड़ंत हो गई। बाइक बेकाबू होकर पत्थरों से टकराई, इस दौरान दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। कि कल मौत हुई है, क्या जानकारी मिली और कहाँ हुई? आज घटनास्थल पे यानी मोर्ची गांव में खेताराम रत्नाराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा भाई मन्नाराम सनोग रत्नाराम और रेपनाराम दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे खारिया डूबे बारिथा के पास। कोई सामने मोटरसाइकिल से टक्कर मारी जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को यहाँ बाड़मेर हॉस्पिटल लाए। मन्नाराम की यहाँ मृत्यु हो गई और रेवताराम को घायल अवस्था में जोधपुर रेफर किया। ये परिवादी की रिपोर्ट है। सर ये कहाँ से बाइक पे गए? सर बाइक पे तो ये दो सवार बता रहे हैं, सामने भी बाइक बता रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर कहाँ से कहाँ जा रहे थे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा खड़िया तला के पास में मौत कितनों की हुई है? एक ही घटना से यहाँ एक ही मौत है, कार्रवाई हो रही है। क्या नाम था? मन्नाराम रत्नाराम, उम्र है इनकी 23 साल और निवासी है जांगुओ की ढाणी भिंडा। क्या काम काज क्या करते थे? काम का मुझे इसमें लिखा हुआ है नहीं मालूम।